हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ चैनल, मैं हसीना आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं घर में हूँ और आज मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो आज का मेरा दोपहर की रेसिपीज़ हैं उड़द के बड़े, जिसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है। और इस बैटर में मैंने डाला है उड़द का आटा, जो मैंने रात को भिगो के सुबह ग्राइंड किया। और उसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च, जीरा और नमक। आप इसमें अदरक डाल सकते हो, कोथमीर डाल सकते हो और पुदीना भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ प्याज और जीरा और हरी मिर्च डाला है, तो आप इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो रहा है तो हम लोग बना लेंगे। तब तक मैं देख के आती हूँ कि मेरी कैट क्या कर रही है, और आपको भी उसके पास लेके चलती हूँ कि मेरी कैट क्या कर रही है। तब देखते हैं, थोड़ा सिम में रख लेते हैं गैस को। चावल भी उबल रहे हैं और हम लोग अपनी ये टोकरी भी ले लेते हैं। हरी मिर्च चाहिए हमको, तो मेरे हरी मिर्च के जो पेड़ से, पौधे से हरी मिर्च तोड़ के लाएंगे। देखिए मेरी कैट कितनी बिजी है सोने में, कितनी गहरी नींद सो रही है। चिली हाय, चिली हाय बेबी, हाय। ओके, बहुत सुस्ता रही है, अभी उसको नींद आ रही है। तो देखते हैं आज मेरे कितने फ्लावर्स खिले हैं। वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो मैं आज ये ग्रीन चिली ले रही हूँ, ये वाली दाल में डालूँगी। दो ले लेती हूँ, बड़ी हो गई है ना, तो तोड़नी पड़ेंगी। ओके, इसको और थोड़ा बढ़ना है शायद, तो वो रख लेते हैं। तो मैंने तीन ग्रीन चिलीज तोड़ी अपने छोटे से गार्डन से। मेरे रोजेस भी खिल चुके हैं यहाँ, तो चलिए किचन में काम करते हैं। बाय बाय। उदास है, उसकी फ्रेंड कहीं गई है शायद। तो ऑयल गरम हो चुका है, शायद थोड़ा सा हम इसको फ्लेम हाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह गरम हो जाए। और मैं इस बैटर को छोटे छोटे बॉल्स की तरह डालूंगी, इस तरह से। बहुत टेस्टी होते हैं ये। अगर आपके पास, आज आपने सिर्फ दाल ही बनाई है, तो अगर ये भी आप बना के रख लें तो दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। दाल चावल के साथ ब्रेकफास्ट में खाली चटनी के साथ खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स पे भी आप बना के सिर्फ चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, बहुत जलाना नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा जब इसको हम निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो रहा है। इसको अभी पकना है। ओके, थोड़ा सा हिला लेंगे हम इसको, वरना एक ही साइड से ये जल जाएंगे। चावल का क्या हाल है? आप चावल कैसे बनाते हैं, राइस कुकर में? या मैं ऐसे बर्तन में ही बनाती हूँ, क्योंकि स्टार्च ही लगता है अगर मैं कुकर, और जल्दी मैं कुकर में ही बना लेती हूँ, कोई बात कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ पतीले में, और इस पानी को निकाल देती हूँ। तो देखिए ये भी हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं। इसको अच्छी तरह ब्राउन होने दीजिए, पकने दीजिए।
क्योंकि उड़द का आटा जो है ना थोड़ा टाइम लगता है पकने, ऊपर से अगर लाइट ब्राउन हो भी जाए तो थोड़ा सा कच्चापन रहता है, सॉफ्ट रहते हैं ये, हार्ड नहीं रहते। तो इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हो। और चटनी कैसी वाली, आप जैसे इडली में चटनी बनाते हो मूंगफली नारियल वाली चटनी के साथ खा सकते हो। और मैंने रात को चटनी भी बना के रखी थी ताकि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में ये खाएं। तो ब्रेकफास्ट में हमने खा लिए, लेकिन आपके लिए, आपसे शेयर करने के लिए मैं फिर से बना रही हूँ ये। और आप मेरे से भी शेयर कीजिए कि आप क्या क्या बनाते हो ब्रेकफास्ट में। मैं चटनी ऐसे बनाती हूँ, ग्रीन चिलीज़, ग्राउंडनट्स और कोकोनट को थोड़ा सा लाइट से ऑयल में रोस्ट कर लेती हूँ, फिर उसको मिक्सी करके उसको पीस लेती हूँ, फिर उसको तड़का देती हूँ राई जीरा और कड़ी पत्ता से। तो वो वही वैसे ही मैं डोसा इडली और ये बड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, वैसी चटनी को बहुत टेस्टी होती है। और वो चटनी फ्रेश ही अच्छी होती है, या जैसे रात में बनाई आपने, आपके पास टाइम नहीं है, फ्रिज में स्टोर कर लिया, सुबह थोड़ी देर खाने से एक घंटे पहले आपने बाहर रख लिया, तो ओके होता है आपके लिए। और उसका टेस्ट भी ओके ही होता है, अच्छा होता है उसका टेस्ट। लेकिन दो तीन दिन स्टोर नहीं करना चाहिए चटनी को कभी भी। तो इसके जो कलर है आप देख सकते हैं, ब्राउन हो जा रहा है और ये पक चुका है। इसको और थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना है, थोड़ा और, फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप ये रेसिपी में क्या क्या यूज़ करते हैं और कैसा बनाते हैं और किस ओकेशन पे। साउथ इंडिया में ये हर ओकेशन पे बनता है, हर ओकेशन पे ये, और जो टैमरिंड राइस, लेमन राइस होता है वो हर ओकेशन पे बनता है साउथ इंडिया में। कोई भी फेस्टिवल हो, लेमन टैमरिंड राइस, और उसे पुलिहारा कहते हैं, और गारे, इसको गारे कहते हैं यहाँ पे, ये तो ज़रूर बनता है। और पोंगल, ये तीन चीज़ें यहाँ फेमस होती हैं हर फेस्टिवल में, ज़रूर पोंगल तो बनता ही है। और पोंगल का जो साइड होता है, साइड डिश क्या कहते हैं, जो जोड़ी होती है, वो यही होती है गारेलू, गारेलू कहते हैं यहाँ, जो आप नॉर्थ में बड़े कहते हैं यहाँ पे गारेलू कहते हैं। सो बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, हेल्दी फूड होता है, प्रोटीन रिच हेल्दी फूड। यहाँ पे रोज़ाना इडली, डोसा, गारे, उपमा और ऑनियन, डोसा में तो बहुत वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखिए गारेलू में, ये वाले गारेलू में हम लोग कैरेट कद्दूकस करके डाल सकते हैं, बीटरूट कद्दूकस करके डाल सकते हैं, जो भी हेल्दी जिस तरह बनाया जाए उस तरह हमारी मर्जी होती है कि हम इसको हेल्दी कैसे बनाएं। तो क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको जैसे सब्जियां नहीं खानी, तो आजकल मदर्स क्या करते हैं कि ऐसी ऐसी टेस्टी चीज़ों में उनको ऐड कर देते हैं। देखिए ये हो गया, इसको आप टिश्यू पे भी रख सकते हैं, एक्सेस ऑयल जब इसका जो एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर। तो ये बन गए मेरे उड़द के बड़े, गैस ऑफ कर देती हूँ। चावल भी बनने वाले हैं, चावल बनने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो चलिए, आपको कैसा लगा ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की तो, और मैं बहुत सारे रेसिपीज़ आप लोगों से भी सीखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है नई नई रेसिपीज़ और नई नई कुकिंग आइडियाज़ मिलती हैं उससे मुझे। तो एक बार मैं इनका कलर दिखा देती हूँ, तो आप भी इसको बनाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब बना के खाओगे तो मेरे को बोलना ज़रूर कि कैसे थे। और चलिए अब देखते हैं कि हमारी कैट क्या कर रही हैं, वो बिजी है सोने में, बहुत नींद आ रही है उसको। देखिए चिली, चिली बेबी, हाय, से हाय, से हाय, नो, से हाय बेबी,
यू शुड से हाई टू एवरीवन। चिली, इसको बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत नींद आ रही है उसको। ओके व्यूवर्स, आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने वीडियोस में, और आपको मैं क्या बताऊं जिस शहर में रहती हूँ उसके बारे में मैं क्या बताऊं, तो आप मुझसे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे न्यू बातें ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।